आइए अपनी ओर से एक छोटा सा गीत। आइए अपनी ओर से गीत पढ़ रही हूँ बड़े भैया। जय हो। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ 7 दिनों तक कथा का श्रवण किया है आप लोगों ने। क्या बात है। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। गीत को सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है कि बन के संवरिया का गईला तू। सम्मानीय चाचा जी बैठे हैं। गीत में कुछ नहीं है, ऋषिवर पूजन कर रहे हैं। पूजन करते करते जैसे ही ऋषिवर ने श्लोक को पढ़ा तो अचानक आवाज आ गई, पिताजी श्लोक गलत हो गया। ऋषिवर ने ध्यान किया, मेरे कोई संतान नहीं है। आखिर ये आवाज कहां से आई कि पिताजी श्लोक गलत हो गया। देखिए ऋषिवर ने ध्यान लगाया तो उस समय ऋषिवर की पत्नी गर्भवती है और वो आवाज पेट के अंदर से आ रही है, पिताजी श्लोक गलत हो गया। तो देखिए ऋषिवर ने सोचा इसका जन्म भी नहीं हुआ, ये जन्म से पहले इतना टेढ़ा है तो आगे चल के ये कितना टेढ़ा होगा। अब देखिए शराब भी दे दिया ऋषिवर ने, जब श्राप दे दिया तो होता क्या है। अब देखिए ऋषिवर सोचने लगे कि लोकाचार में नहीं है कि पुत्र पिता को टोके, तो कहना पड़ा लोक में ना शामिल नहीं। और ऐसा पुत्र कि जिसका जन्म भी नहीं हुआ है, पेट के अंदर से टोक रहा है, तो कहना पड़ा लोक में न शामिल नहीं। लोक में न आया
करने पड़े भैया। भैया श्री विक्रम बताऊ साहब बैठे हैं, अब वो सोच रहे हैं ऋषिवर कि देखिए लोक में प्रकाश में भी नहीं आया, इसका जन्म भी नहीं आया, ये गलती दिखा रहा है। तो कहना पड़ा क्या बड़ा? लोक में नशा मिल नाही, लोक में नशा मिल नाही, दिख ना आलोक में, लोक में ना आया कहे गलती इस लोक में, लोक में ना आया कहे गलती इस लोक में, तो श्राप की बोली मुनिवर ने वाणी, तो कैसी कठिन है अनोखी कहा। क्या बात है? अब देखिए जैसे ही उस प्रतिज्ञा को इंद्रदेव ने सुना तो होता क्या है? क्या बात है? माता के गर्भ में पहुंच जाते हैं इंद्रदेव और देखिए होता क्या है? क्या बात है? कि मन का न हो माता के पहुंचे बेचारे, कि माँ के उदर में तो पहुंचे बेचारे, तो भाई को सोचा कि भाई को देखा तो सोचे बेचारे, रहा है कि लेख मिटा
जाओ। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा। देखिए हनुमान जी महाराज जन्म नहीं ले रहे हैं, जन्म की अवधि पूरी हो गई है, लेकिन वो जन्म नहीं ले रहे हैं, तो माता अंजना परेशान है। अब सुनिएगा माता अंजना कैसे परेशान है। मात सोचती है ये आप जाएगी तो होता क्या है? कि माया पति की माया
ने जग को भर माया, इस संसार को माया, पति की माया ने भरमाया है। तो प्रताप जी कहने लगे क्या बड़े कि माया पति की माया ने जग को भर माया, माया मैं न चाहूं फंसना, माया मैं न चाहूं फंसना, न जानू कैसी माया, माया मैं न चाहूं फंसना, न जानू कैसी माया। तो ऋषिवर मोहन की शरण में आए, कहा कन्हैया से ऋषिवर मोहन की शरण में आए, तो कथन मन हर को है सुनाए, कथन मन हर को है सुनाए। तो कहना पड़ा कि बात सुनी तो, कि बात सुनी तो सब बिगड़े है, कि बात सुनी तो सब बिगड़े है, नियम धर्म ये ब्रह्मा के पै गजब, कि बात जब के बात की बेटा ठाने तपस्या पेट में अम्मा, जब के बात की बेटा ठाने तपस्या पेट में अम्मा के, ये की बात माननीय नीलम विश्वकर्मा जी के द्वारा बहुत बढ़िया सवाल नीलम जी और बहुत बढ़िया जवाब, कोई जोड़ नहीं है भाई जी, और कुछ बताना है? ये हमारे बड़े भाई हैं सम्मानी देवेंद्र तिवारी जी, प्रणाम कर रहा हूँ। बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, अपने आप में एक विशेष व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। बहुत बहुत नमन है बड़े भैया, बस एक निवेदन रहेगा कि कभी कभी हमको भी कुछ बता दिया करो आप। आइए, बहुत सुंदर जवाब दिया है। मैंने 16 के श्याम पर गीत छोड़ दिया नीलम जी। एक बात आपने कही शंभू भैया, मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, हमारी कोशिश है, स्वीकार है, कहीं कोई टिप्पणी नहीं है, पर एक बात आपने बड़ी
ऐसी कह दी जो असहज महसूस कर रहा हूं अपने आप में। आपने कहा कि उम्र का लिहाज करिए। बेटा हम लोग बहुत मायने हैं। अच्छा बिटिया, ऐसा हमने क्या कह दिया आपको जो आपको ऐसा लगा कि उम्र की परिभाषा खत्म हो रही कहीं से है? मैं तो आपको बिटिया ही कह रहा हूँ, बिटिया ही कहूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आपके लेखपाल जी से कहूंगा जो चकबंदी कर रहे हैं, उनसे कहूंगा कि श्रीमान जी जब 16 पर गीत समाप्त हुआ तो आपको 17, 18, 19, 20, 21, 22 गिनती खत्म हो गई क्या? फिर आप एक से शुरू हो गए और फिर एक से शुरू हुए तो 8 तक आए, फिर और था, 9 रंग मिल रहे थे, 10 दिक्पाल मिल रहे थे, 12 राशियां मिल रही थी, तमाम मिल रहे थे, सब लगा देने चाहिए आपको। गड़म बगड़म बम्बे बो लस्सी 90 पूरे 100। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए चलिए बढ़िया है, मेहनत किया बहुत बढ़िया गीत दिया है और बड़े कठिन कठिन गीत इस समय नीलम जी आप गा रही हैं। प्रयास कर रहा हूँ, बहुत बागई भारी गीत है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों की सेहत के अनुसार ये गीत नहीं है, लेकिन आपने गा दिया तो प्रयास कर रहा हूँ। आदरणीय नंबरदार सुनिएगा। गीत करा आपको क्या कि गजब पे रोक लगा दी लू ये हम के जवानी में, गजब पे कि गजब के बात बाप कि गजब के बात बेटा है बाप को टोके पेट में अम्मा के। आइए अब पेट में अम्मा के, पेट में अम्मा के प्रयास कर रहा हूं, अगर उत्तर आ जाए। हाँ प्रसंग ले रहा हूं कच्छ और शुक्राचार्य जी का, क्या बात है। तो सीखा ज्ञान मैंने था ये, मृत संजीवनी जानना चाहता था, इसलिए देवताओं ने उसे मारकर शुक्राचार्य जी को ही खिला दिया। अब वो शुक्राचार्य जी के उधर में चला गया, और जब उधर में चला गया तो आदरणीय जन समुदाय हुआ क्या? क्या तो सीखा ज्ञान था उसने अद्भुत आलोक में आया पहले वो भूलोक में आओ भूलोक में वो भूलोक में जाकर समर में युद्ध किया है निज शत्रुओं के विरुद्ध किया है। तो सुन कर बतिया होश उड़े हैं, देखो चप्पा चप्पा के गजब की बात लाले बोले। अगर पंक्ति अच्छी लगे भूपेंद्र भैया तो आशीर्वाद दीजिएगा कि गजब की बात लाले बोले पेट में पप्पा के, गजब की बात लाले बोले पप्पा के। अरे नीलम जी अम्मा के पेट में बहुत लोग बोलते हैं, yeah.
बोलचल वो प्रसंग दिखा रहा है कि बाप के पेट में बच्चा, बाप के पेट में बच्चा बोल रहा है ये तो गजबो की बात लाले बोले पेट में पप्पा के आगे आइए एक प्रसंग और अलग करता हूं आपका आदरणीय नीलम जी, शायद आपको अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगा विक्रम भैया से हमें भी 500 दीजिए आप, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, सुनिएगा दूसरा टुकड़ा। तो एक बार भोले शिव जी एक बार भोले शिव जी क्रोध में आए लीला अनोखी देखो जग को दिखाए जग को दिखाए तो गौरी माँ को शिव जी ने खा एक नई बात दे रहा हूं गौरी माँ को शिव जी ने खाया भेद ये कोई समझ ना पाया तो सुन कर पतिया होश उड़े हैं देखो चप्पा चप्पा के गजब की पहला प्रयोग लाल बोले पेट में पप्पा के अब दूसरा प्रयोग नीलम जी गजब की बात माता बोले पेट में पप्पा के गजब की बात गजब की बात माता बोले पेट में पप्पा के गजब के बात माता बोले पेट में पप्पा के गजब की बात लाले बोले पेट में पप्पा के